नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी तो हमलावर है ही, और कांग्रेस ने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। बवाल के बाद अब दिग्विजय सिंह के भी सुर बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि वो जयराम रमेश से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा था कि सरकार ने इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है और सरकार झूठ के पलिंदे पर ही चल रही है। और जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और उन्होंने इतने लोगों को मारा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। केंद्र झूठ के सहारे शासन कर रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह देश हम सभी का है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को 32 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार महिला का है कि उसे अपनी गर्भ व्यवस्था को जारी रखना है या फिर इसे खत्म करना है। यह फैसला मेडिकल बोर्ड नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ता गर्भ व्यवस्था के 33 सप्ताह तक अबॉर्शन करवा सकती है। गर्भ में रह रहा बच्चा अगर गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, और जैसे छोटा सिर, दिमाग के जुड़ी दिक्कतें, तो महिला अपनी मर्जी से इसका फैसला कर सकती है। जस्टिस गौतम पटेल और एसजी डीगे की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिकारों को कानून के दायरे में आने के बाद कैंसिल करना अदालत का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में मेडिकल बोर्ड के विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और मेडिकल बोर्ड की तरफ से कहा था कि भले ही गर्भ व्यवस्था में गंभीर असमानताएं हैं, लेकिन तब भी महिला अबॉर्शन नहीं करवा सकती है। और बोर्ड ने पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसे समय में गर्भ अवस्था लास्ट स्टेज पर होती है, और जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला 20 जनवरी को दिया है। एक मां और महिला के रूप में सभी याचिकाकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को गर्भ धारण करने में समक्ष होना चाहिए, आत्मनिर्णय लेना चाहिए। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री पिछले करीब एक हफ्ते से सुर्खियों में बने हुए हैं। ये वही बाबा हैं जो पर्चे पर लिखकर लोगों के मन की बात बता देते हैं। इन्हें लेकर देश दो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। एक मानता है कि बाबा धीरेंद्र के पास चमत्कारी शक्ति है, और दूसरा धड़ा इसे चमत्कार मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन इस बार धीरेंद्र शास्त्री पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री ने अपने एक दरबार के दौरान कहा था कि सरकार इजाजत नहीं देती, वरना वो तो पाकिस्तान में भी घुस जाते। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सरकार इजाजत दे तो वो पाकिस्तान में दरबार लगा देंगे। उन्होंने 2 महीने पहले पाक जाने की भी इच्छा जताई थी। हालांकि वो पाकिस्तान जाए बिना ही यहाँ कई लोगों के दिलों में बसे हैं। पाकिस्तान के कई लोग उनके दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं, और ऐसे ही एक दरबार में उन्होंने पाकिस्तान जाने की इजाजत जताई थी, और अब उनका ये वीडियो भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है। लोग घर घर में उनकी वीडियो को देख रहे हैं। झांसी से 8 किलोमीटर दूर बुलंदखंड का सुप्रसिद्ध नगरी ओरछा से ही टीकमगढ़ जाने वाली रास्ते पर ही बेतवा नदी है, और उक्त नदी पर ब्रिटिश शासनकाल का रिपटा बना हुआ था, जिससे बरसात के समय में ही मेया गांव अवरुद्ध हो जाता है और आए दिन ही टैक्सी, बस, मोटरसाइकिल फिसल जाते हैं। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को ही बहुत बड़ी सौगात दी और बुलंदखंड से जोड़ने का कार्य हुआ। इससे झांसी ग्वालियर आने वाले
और इसके साथ ही जाने वाले का रास्ता जो है वो सुगम हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निवाड़ी जिला पहुंचे थे। यहां उन्होंने ओरछा टीकमगढ़ मार्ग पर बेतवा नदी के पुल का लोकार्पण सहित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कई 550 किलोमीटर लंबी 18 सड़क परियोजनाओं के विस्तार का शिलान्यास किया और इसी दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के तरह दिखने वाले शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये शख्स जो था हूबहू सीएम योगी की तरह कपड़े पहनकर कार्यक्रम में आगे की सीट पर बैठा था। झांसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ही श्री रामचरित मानस पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा ही FIR दर्ज कराने के लिए नवाबाद थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया और संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध ही सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अचल अडजरिया ने ही नवाबाद थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही श्री रामचरित मानस जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं ऐसे ग्रंथ को फर्जी व बकवास बताया गया है और अचल ने कहा कि श्री रामचरित मानस संपूर्ण विश्व में ही घर घर में पाया जाता है, वो प्रत्येक घर में इसका वाचन होता है। संपूर्ण रामचरित मानस को गलत बताकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू जनमानस की भावनाएं भड़काने का कार्य किया है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं के वोट की आवश्यकता नहीं है। रायबरेली ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में किसान द्वारा फाइनेंस कराए गए ट्रैक्टर की किस्मत का समय से अदायगी ना कर पाने पर ही फाइनेंसर द्वारा उस पर बुलेरो कार चढ़ाकर मरणासन कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि कोतवाली में ही नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। बताते चले कि कस्बा मोहल्ला से जुड़े मदारीपुर गांव निवासी दयाराम यादव का कहना है कि एक साल पहले ही उनके भतीजे सुमित कुमार ने ट्रैक्टर के लिए एक निजी कंपनी ऋण में लिया था और जिसकी सभी किस्तों का ही समय से उदायगी करते चले आ रहे थे। आर्थिक तंगी के चलते गत दिसंबर महीने की किस्त की ही अदायगी नहीं कर पाए जिसके चलते शहर के इंदिरा नगर ऋण कंपनी के फाइनेंसर गत 18 जनवरी को ही बुलेरो कार लेकर उसके घर पहुंचे जहां पहले उनके साथ बदतमीजी से पेश आने लगे। कोतवाल बालेंदु गौतम ने बताया है कि मामले की जाँच कराई जा रही है जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार लड़की को जोरदार टक्कर मारी है। स्कॉर्पियो की टक्कर से साइकिल सवार लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला आपको बता दें कि भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत झकरासी गांव के पास का है जहां की रहने वाली 21 साल कुमारी रीता पुत्री राम भागवत निवासी झकरासी साइकिल से सड़क पार कर रही थी और तभी अनियंत्रित तेज रफ्तार से जोरदार टक्कर मार दी गई और स्कॉर्पियो की टक्कर से ही लड़की रीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक ने ही स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्कॉर्पियो की तलाश भी शुरू कर दी गई है। दीदी का एक्सीडेंट रोड पार करके जा रही थी झकरासी चौराहे पे, वहाँ एक्सीडेंट मतलब स्कॉर्पियो वाला टक्कर मार दिया उसका, छोटा एक्सीडेंट हुआ। तो स्कॉर्पियो पकड़ी गई अभी। डॉक्टर क्या परिचय? डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। एक्सीडेंट का मामला क्या है? हाँ, एक लड़की थी रीता 21 साल की, भदोखर थाने के आसपास कहीं रहने वाली थी। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? झकरासी चौराहे पे बता रहे थे, मृत अवस्था में लेके आए थे, बॉडी मॉर्चरी में रखी गई।
झांसी के थाना मोठ क्षेत्र के ही खिरिया गांव में एक घर के अंदर 4 दिन से लगातार आग लग रही है और अब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। इस रहस्यमयी घटना से गांव के साथ साथ चारों ओर दहशत का माहौल बना हुआ है। अनेकों प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। कोई बता रहा है कि जिंद, तो कोई कहता है कि भूत, लेकिन मामला कुछ भी हो, इस रहस्यमयी घटना से जिनके घर में आग लग रही है वो तो परेशान है। बता दें आपको कि उनके साथ साथ आस पड़ोस के लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस घर में ये घटना हो रही है उस घर के लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत आग लग जाती है। सवाल ये है कि साइंस के युग में इस तरह की घटना होना अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और मैंने राजस्व टीम को भेजा है, जो आज वहाँ 1 घंटा रहे भी हैं। उनकी उपस्थिति में आग नहीं लगी, लेकिन वहाँ पर आग लगे हुए साक्ष मिले हैं। उनके जो बक्से वगैरह थे जिसमें कपड़े थे, उनकी अलमारी थी, उसमें भी आग लगी मिली है। भूसे में भी थोड़ी आग लगी, लेकिन जैसे लोग वहाँ पर क्योंकि खड़े थे तो वो बुझ गई। अब इनकी मैंने कम्बल इत्यादि की और राशन की व्यवस्था कराई है ताकि परिवार को कोई दिक्कत ना हो, गरीब परिवार है। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें आपको कि दमकल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस घर में अचानक ही आग लग जाती है और सारा सामान भी बताया जा रहा है कि इसमें जलकर खाक हो चुका है। और आग लगने की घटनाएँ जो हैं लगातार इस घर में जारी हैं, इसको चमत्कार भी समझा जा रहा है। बहराइच में आगामी 30 जनवरी को ही होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातन विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर ही समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र सदर बहराइच और मटेरा के ही पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक कद्दावर सपा नेता पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के ही सरकार यासर शाह के नेतृत्व में जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव, एडवोकेट संचालन निवर्तमान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जफरुल्लाह खां बंटी ने किया है। स्नातक एमएलसी चुनाव को जीत की हसरतों से ही देख रहे सपा कार्यकर्ताओं को यासर शाह ने जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में ही विधानसभा सदर बहराइच वो मटेरा के ही ब्लॉक वाले पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए यासर शाह ने कहा है कि ये चुनाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी पूरी जोश और ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। झांसी में भारत की स्वतंत्रता और महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां जन्म उत्सव सुभाष जयंती समारोह समिति द्वारा भव्यता के साथ मनाया गया। ये समारोह समिति द्वारा ही 76 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम खंडेराव गेट में मौजूद लक्ष्मी व्यायाम मंदिर मनाया गया है और मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर सुभाष चंद्र बोस की भव्य झांकियां निकाली गई है। नगर के कई स्थानों पर ही भ्रमण के पश्चात ही ये यात्रा लक्ष्मी व्यायाम मंदिर पर समाप्त हुई है। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते सरावर्गी ने कहा कि नेताजी का स्वतंत्रता के प्रति बलिदान अकल्पनीय है और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर अन्य देशों में आजाद हिंद फौज का गठन किया, ये अपने आप में ही मैनेजमेंट का अद्वितीय उदाहरण है। बिना किसी सहायता के ही अपनी वाकपटुता और इसके साथ ही सामर्थ्य से किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने हजारों की संख्या में आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों से सर्वसहमति के साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन नेपाली को झांसी का सुभाष चंद्र बोस पदनाम देने का भी प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन भी किया है। ललितपुर जिले के ही थाना जखोरा अंतर्गत ग्रामवासी में दो पक्षों में साइकिल हटाने को लेकर हुए विवाद ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब दोनों पक्ष संबंधित वासी चौकी अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराने पहुंच गए। तो वहीं एक पक्ष के साथ ही उग्र भीड़ भी वासी चौकी पहुंच गई, जहां एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिला पुलिस के सामने चौकी के अंदर चप्पल फेंक फेंक कर दूसरे पक्ष को मार
रही है। तो वहीं दूसरे पक्ष की बात करें तो समर्थन ने ही नेशनल हाईवे 44 पर पत्थर डाल दिए हैं और हाईवे को पूरी तरह से बंद करने का भी प्रयास किया है। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ही उक्त लोगों को समझा बुझाकर हाईवे से हटाया और जाम खुलवाया है। वहीं दूसरा पक्ष उग्र भीड़ से बचाता हुआ ही पुलिस अधीक्षक ललितपुर की शरण में आ गया और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया गया है। उक्त लोगों पर ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आगरा शहर में गंगा जल आए न जाने कितने साल बीत गए, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग शहर भर को गंगा जल नहीं दे पाए हैं। आज भी शहर भर की कॉलोनियों गंगा जल की मांग को लेकर लामबंद है, लेकिन विभाग कोई उचित कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नतीजा डाक के तीन पात नजर आ रहे हैं और दयालबाग क्षेत्र के लिए भी गंगा जल की पेयजल लाइन एक पहेली बनकर रह गई है, जिसे सुलझाना मुश्किल होता चला जा रहा है। पिछले 4 साल से दयालबाग की लगभग 34 कॉलोनियों में गंगा जल लाने की मांग सौरभ चौधरी नामक एक युवक लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन संबंधित विभाग टस से मस नहीं हो रहा। मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मैं दयालबाग क्षेत्र की गंगा जल की मांग पिछले 4 साल से लगातार उठा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, नगर निगम, जल निगम, जल थल विभाग सभी जगह धरना प्रदर्शन किया, मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मेयर द्वारा 2 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जल निगम ने आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। दयालबाग क्षेत्र की 34 कॉलोनियों की को जब तक गंगा जल नहीं मिल जाता तब तक मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा। आज मैं हीराबाग चौराहे दयालबाग से पैदल चलते हुए अर्धनंग होकर सिर पर मटका रखकर आया हूँ। देवबंद के थितकी गांव में ही 15 सितंबर 2021 को गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस ने 6 गो तस्करों को गिरफ्तार किया था, जबकि गांव निवासी जिशान के ही पैर में गोली लगने से घायल हो गया था और जिशान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिशान की पत्नी अफरोज ने ही अदालत में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि जिशान को पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के लिए घर में बुलाया था और जिसके बाद वो घर लौटा। अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश पर ही 12 पुलिसकर्मियों को पर ही देवबंद थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया है कि सितंबर 2021 में सूचना पर पुलिस गई थी, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 जांच चल रही है और इसके अतिरिक्त ही अब न्यायालय में भी माननीय न्यायालय द्वारा पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इससे जो भी साक्ष्य होंगे उनका संकलन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सितंबर 2021 में एक गौकशी की सूचना पर पुलिस गई थी, जहां पर कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इस पर कई मुकदमा भी दर्ज हुआ है इसमें, जिसमें जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा परसों एक आदेश किया गया, जिसमें कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश था। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो भी साक्ष्य है उनका संकलन कर उसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। सर, किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, क्या इसमें हत्या का धारा लगी थी इसमें या कोई अन्य? जी, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो वादी पक्ष द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया था, जिस पर कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें तकरीबन 12 के करीब पुलिसकर्मी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें आगे उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य आएंगे वादी पक्ष से साक्ष्य लेकर संपूर्ण साक्ष्य संकलन कर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना ये रात के अंधेरे में शव को बिटोड़े में ही रखकर वहां पर आग लगाने की घटना सामने आई है। हालांकि आग से जले शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर शव के ही अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना तित्रो के ही पिथोड़ा गाँव का है। SSP विपिन टाडा ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तुरंत फॉरेंसिक टीम
को भी बुलाया गया और शव को अवशेषों को ही कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और शव महिला का है या पुरुष का, इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। तीतरों थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को गांववासियों द्वारा सूचना दी गई कि एक गांव में एक बिटोड़ा में एक शव है अज्ञात, जिसको कि जलाने की सूचना ग्रामवासियों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर गई है। शव जो है पूर्ण रूप से जल गया है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके लिए फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, तो उसमें जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ये घटना कल रात की प्रतीत हो रही है और वो शव किसका है, महिला है, पुरुष है, मनुष्य है या कोई पशु है, इसकी पूरी जानकारी कर आसपास शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और हमारी तीन पुलिस टीमें लगी हैं उसमें, जिसमें कि शीघ्र ही इसका अनावरण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सर, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आसपास में कोई गुमशुदगी दर्ज है, थाना तीतरों पर कोई गुमशुदगी? गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के ही जाफरा बाजार में गोली चलने की खबर के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि घायल 25 साल का रियाज कुरेशी घोशीपुर थाना तिवारीपुर के ही रहने वाला है और वहीं घायल युवक के बड़े भाई ने कहा है कि उनके भाई ने खुद फोन करके बताया था कि उन्हें गोली मार दी गई है। घायल युवक का जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। वहीं थाने के कुछ सिपाही और दरोगा अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।